बिफुल्ल टू डे वी गोइंग टू स्टार्ट एन अदर इम्पोर्टेंट टेटेड टू द इलेक्ट्रो और वी आर नीयर टू एंड दिस चैप्टर ये सेकेंड लास्ट लास्टर जो हैं हमारे चल रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नरसन साल को कम्प्लीट किया था विद वर्किंग कंस्ट्रक्शन और आज हम जो हैं वो न्यू टॉपिक को जो है वो क्या करेंगे डिस्कस करेंगे टूडे भी डिस्कस अबाउट क्रोजन एंड इट्स अब क्रोजन का मतलब क्या होता है कि जंग लग जाना ठीक है किसको जंग लगता है ये बात हमें पता है कि मैटल्स को लगता है अगर हम मैटल्स में बात करते हैं क्रोजन की तो उसमें सबसे ज्यादा लगता है आयरन uh, को ठीक है तो वी कैन इन सिंपल वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट द लोहे को जंग लग जाना या हम आ, इंग्लिश में कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है द क्रोजन इज द स्लो एंड कॉन्टिन्यू ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय सराउंडिंग मीडियम हमारे पास जो है ये स्लो मतलब बहुत आहिस्ता और कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि हमेशा रहने वाला जो है वो क्या है प्रोसेस है ईटिंग अवे मतलब जब तक आयरन का वो पीस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये प्रोसेस नहीं, मतलब नहीं रुकेगा अच्छा अब इसके अंदर जब हम क्रोयन की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिक जो है वो हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं जाहिर सी बात है कि आयरन इज रिएक्ट विद द मतलब आयरन का पीस है वो रिएक्ट कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है ना अब Rusting of iron, आपके पास एक लोहे का पीस है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन कुछ कोई रीजन ऐसा हुआ है ना कि भी वो केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ हुआ है कि वो रस्टिंग ऑफ आयरन उसके ऊपर मतलब के रस लगना शुरू हो गया जंग लगना शुरू हो गया और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू है तो इट्स मीन दैट केमिकल रिएक्शन है तो उस रिएक्शन तो को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है जगर, अगर हम नेचर ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो हमारे पास अब डेफिनेशन क्रोजन की क्या है द क्रोजन इज अ स्लो एंड कॉन्टिन्यू ईटिंग अवे ऑफ मेटल स्लो प्रोसेस है एंड कॉन्टिन्यूसली जो है वो ईटिंग अवे है मेटल्स का बाय द सराउंडिंग मीडियम अब वो सराउंडिंग मीडियम कोई भी हो सकता है एयर भी हो सकता है वी कैन ऑल्सो से दैट द वॉटर मॉइस्ट हम कोई भी इसमें जो है वो सराउंडिंग मीडियम की बात कर सकते हैं अब हम अगर क्रोजन का नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हम सिंपली एक बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन बच्चे अब डॉक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हम ये बात पढ़ चुके हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जिसके अंदर जो ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो इन्वॉल्व करता है कम अज कम जो है वो ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को मतलब एक केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है उस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है और जब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में फौरन से या आपके जहन में फौरन से एक बात आनी चाहिए कि दैट इज अडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर

जो किसकी मदद से कर रहा है हवा जब हम हवा की बात करते हैं तो हवा के अंदर दैट इज अयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस तो हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो मॉइस्ट मतलब नमी वी कैन ऑल्सो से दैट द दाटर वेपर्स एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द वॉर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर विद द मेटल्स सिंपल सी बात है कि ये जो केमिकली जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कैमिकल uh, रिएक्शन है जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन क्या है जब हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा अगर हमारे पास जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द रिडक्शन और ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है बाय द एक्शन ऑफ द एयर मॉइस्ट ठीक है विद द मेटल्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द मेटल्स तो हम यहाँ पे जो मेटल लेंगे वो आयरन होगा और आयरन क्या है एफ ई ठीक है उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे को जंग लग जाना इन अदर मेटल्स वी कैन से दैट द अदर मेटल्स उनको भी जो है वो क्या लग जाता है जंग लग जाता है अच्छा अब हमने ये पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है जो जो हमारे पास जो है वो क्रोजन ऑफ आयरन जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है रस्टिंग कहलाता है ठीक है रस्टिंग का मतलब क्या होता है जंग लग जाना

हमारे पास एन क्या है इज अ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते नेचुरल नंबर वॉटर एंड सो ऑन हमारे पास ये ऑफ वाटर मॉलिक हो सकते हैं बट इट ऑल्सो से दैट हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन तो जब हम हाइड्रेटेड आयरन बच्चों से पूछा जाए तो बच्चों को नहीं समझ आ रही है कौन सा फॉर्मूला तो दैट इज ऑल्सो टॉक अबाउटिंग ऑफ आयरन एफ ई टू ओ थ्री डॉट एन वाटर मॉलिक्यूल इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन बोलते हैं ठीक है थीके? ये भी आपने अपने जहन में जो है वो क्वेश्चन रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपसे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पूछा जाए हाइड्रेटेड आयरन के बारे में पूछा जा, जा सकता है तो एक क्वेश्चन तो के दो तरह एक क्वेश्चन को अब दो तरह से हम आपसे पूछ सकते हैं न कभी भी आपसे पूछा जा सकता है अच्छा अब हमने डिस्कस करनी है कि वो कौन सी स्पोर्टिंग कंडीशंस हैं फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन या हाइड्रेटेड आयरन के लिए और ये क्वेश्चन आपके एम सी में भी है कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन तो ये अपने ज़रूर याद करना है एफ़ ई टू ओ थ्री डॉट एन टू ओ इन प्रीवियस सेक्शन में हम इसी केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बनता है कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आता है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये डॉक्स टेक्शन है जो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे एनोड भी होगा यहाँ पे कैथोड भी होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ओवर रिएक्शन भी होगा और ओवर रिएक्शन में हमें हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन मिलेगा ही मिलेगा इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ आते हैं जब हम इंपॉर्टेंट कंडीशन में आपको यहां पे भी पढ़ा चुकी हूँ कि देर आर द एयर एंड मॉइस्ट नमी ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं द मोइस्ट एयर नमी वाली हवा ठीक है एयर हैविंग अ वाटर वेपर्स जब हम मॉइस्ट एयर की बात करते हैं तो मॉइस्ट एयर क्या होती है दैट इज सिंपल से कि हवा के अंदर वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना ठीक है हवा के अंदर जो है वो है वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना एंड वी कैन से दैट द वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैंने मॉइस्टेयर में दो अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी एक वर्ड एक टेक्निक समझा देती हूँ स्पोर्टिंग ऑफ कंडीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयर में अगर हमारे पास रस्टिंग तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन होंगे मतलब कि ऑक्सीजन भी होगा और वाटर भी होगा लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन तो है लेकिन वाटर नहीं है तो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा लेकिन अगर ऐसा है वाटर है ऑक्सीजन नहीं है फिर भी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए इन दोनों कंडीशंस का होना बेहद जरूरी है मतलब मॉइस्चर एयर हैविंग द वाटर वेपर्स इन इट ऑक्सीजन भी होगी वाटर वेपर्स भी होंगे या वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे तब रस्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा ठीक है यहाँ पे ये यह बात क्लियरली लिखी है देर विल बी द नो रस्टिंग इन वाटर वापर्स फ्री ऑफ एयर यहाँ पे कोई रस्टिंग नहीं होगी कि अगर वाटर के वापर्स हैं उनके अंदर एयर नहीं है सिंपल सी बात मैंने इसलिए उसको एरो लगा के क्लियर कर दिया था कि अगर मॉइस्ट एयर का मतलब ये है कि हवा एंड मतलब कि ऑक्सीजन एंड वाटर अगर ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा लेकिन अगर वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी रस्टिंग नहीं होगा इन दोनों कंडीशंस का प्रेजेंट होना बेहद जरूरी है उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की जब मैंने केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की तो मैंने आपको ये बात क्लियरली बताई है कि हम नेचर ऑफ जब हमने केमिकल नेचर ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को डिस्कस किया तो हमने ये पढ़ी है बात कि वो केमिकल रिएक्शन है सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी ठीक है तो इस वजह से अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है ये बात आपको क्लियर है ठीक है बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्पोर्टिंग कंडीशन हमारे पास क्या है कि मोइस्टेयर मॉइस्टेयर का होना बहुत जरूरी है वी हैव अ ऑक्सीजन वी हैव अ वाटर वेपर दैन द रस्टिंग ऑफ फॉरन आयरन टेक प्लेस अगर ये नहीं है इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा

तो अब क्या होगा जब ये पार्ट जो है इस पूरे आयरन शीट के अंदर ये वीकर पार्ट है तो इसके ऊपर सबसे पहले अटैक होगा अटैक अब ये आयरन और नीचे जो है वो आपके पास आयरन की शीट है अब ये जो डेंट है ये डेंट जो है वो क्या है इसका जो नेचर है दैट आर द एनोड नेचर का है और ये जो आयरन की शीट है ये कैथोड नेचर की है ये बात मैंने आपको पहले भी, भी यहाँ पे बताई है कि हमारे पास जो डेंट होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा साइट प्रोवाइड करेगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो टेक प्लेस कर जाए जब रस्टिंग ऑफ आयरन एक बार स्टार्ट हो जाएगा जब तक ये आयरन का पूरा पीस खत्म नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहेगा क्योंकि हम डेफिनेशन में भी पढ़ के आ चुके हैं कॉन्टिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स के मतलब कॉन्टिन्यूसली जो है वो मेटल्स का ईटिंग अवे होगा और उसके बाद जो है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें